हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ प्रिंटिंग एक्सपो मुंबई पाइमैक्स। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा प्रिंटर यहाँ पर एग्जीबिशन में आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाता हूँ जो जो रिक्वायरमेंट है या जिस लाइन में मैं हूँ तो उसी लाइन का ज़्यादातर दिखाऊंगा। ये चलते हैं, ये जो है कि मैं एंट्रेंस कर रहा हूँ, ये मेन गेट है और यहाँ पर हम चार पाँच फ्रेंड लोग आए थे। तो अभी तो मेन स्टार्ट हुआ है, जो गेट है ये देखिए कोनिका मिनोल्टा का है, प्रोडक्शन मशीन है ये। तो इसी मशीन का ज़्यादा मैं काम करता हूँ, ऑफिस प्रिंटर। ये फूजी फिल्म का प्रिंटर है, ये फूजी फिल्म की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सुपर है। तो अभी मैं कोनिका मिनोल्टा का काम कर रहा हूँ प्रिंटर का, ऑफिस प्रिंटर का। तो एग्जीबिशन में आपको कोनिका मिनोल्टा, फूजी फिल्म, जेरोक्स, कैनन, रिको, रिजो, ये सब प्रिंटिंग लाइन का मशीन बनाते हैं, प्रिंटर बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा प्रिंटर है यहाँ पे लगा हुआ और कैसा कैसा प्रिंटर लगा हुआ है। तो ये है पाइमैक्स एग्जीबिशन, ये मुंबई गोरेगांव में लगा हुआ था, एग्जीबिशन चालू है। तो यहाँ पर मैं घूमने के लिए आया हूँ, तो सोचा आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ कि इस एग्जीबिशन में क्या क्या प्रिंटर आया हुआ है। ये है मेन गेट, मुझे पाइमैक्स 2024। तो ये है मेन गेट, तो चलिए चलते हैं अंदर, कौन कौन सा प्रिंटर है। और बहुत भीड़ रहता है अंदर, तो जितना मैं सकूंगा उतना दिखा पाऊंगा वीडियो, अगर नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि ये अंदर बहुत भीड़ है। ये मेन गेट के अंदर मैं एंटर हो रहा हूँ, और एंटर करते टाइम यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में विजिटर पास यहाँ पे बन रहा था। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, पहले विजिटर पास ले लेता हूँ। ये सब लोग जो है कि पाइमैक्स एग्जीबिशन सेंटर में घूमने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं, जिनको क्या रिक्वायरमेंट है प्रिंटिंग का या एनी अदर प्रिंटिंग लाइन का, इंडस्ट्रियल लाइन का, तो हर तरह के यहाँ पर लगता है। लेकिन मैं ज़्यादातर यहाँ पर आपको दिखाऊँगा डिजिटल लाइन का, मैं डिजिटल लाइन में हूँ तो मैं वो दिखाऊंगा। ये सब पास बनाने का सेंटर है यहाँ पे, एग्जीबिटर पास, ये मैं हूँ, स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो चलिए अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा प्रिंटर है, कैसा कैसा प्रिंटर आया हुआ है। तो इस तरह का एग्जीबिशन स्टॉल लगा हुआ है, कुछ छोटे छोटे स्टॉल है, कुछ बहुत बड़े बड़े स्टॉल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा है, कैसा कैसा है, ये सब मैं स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ, छोटे छोटे हैं तो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो देखिए, चलिए चलते हैं आगे, दिखाता हूँ मैं आपको। ये है आपका इको विनाइल प्रिंटर का स्टॉल है ये, तो देखिए ये सब जो है ना इको है, ये देखिए प्रिंट होया हुआ है। ये कौन सा कंपनी है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आपको दिखेगा तो आप देख लीजिएगा कौन कौन सा प्रिंटर है, आगे भी बहुत सारा दिखाऊंगा। तो चलिए चलते रहे, बने रहिए। ये देखिए, ये है कोनिका मिनोल्टा का स्टॉल, कोनिका स्टॉल बहुत बड़ा था यहाँ पे। ये भी प्रोडक्शन है, रोल टू रोल प्रिंटर है ये। अभी आपको डिजिटल प्रिंटर भी दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए, आगे चलते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ये है आपका विनाइल इको, विनाइल प्रिंटर जो बोलते हैं, फर्मशीट वगैरह जिस पर पेस्ट होता है विनाइल पर प्रिंट करने के बाद। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा दोस्त है, आया था साथ में। ये देखिए, ये है आपका फूजी फिल्म, सॉरी एप्सन, एप्सन डिजिटल का ये, जिस तरह के इंकजेट है ये सब इंकजेट प्रिंट होया हुआ है, ये एप्सन डिजिटल प्रिंटर है ये। और आगे चलते हैं, आगे क्या दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो टी शर्ट प्रिंटिंग होता है, कप प्रिंटिंग होते हैं, उसका ये स्टॉल है, उस तरह का सब लगा हुआ है। ये कप्स प्रिंट करके डेमो के लिए रखे हुए, ये मशीन है जिसमें कप प्रिंटिंग होते हैं। आगे भी दिखाऊंगा क्या क्या है। अभी मैं आ गया हूँ दूसरे जगह पे, तो यहाँ से भी दिखाता हूँ आगे कौन कौन सा है। तो आइए दिखाता हूँ आपको, ये मैं ऐसे फ्रंट से ले लिया, फ्रंट कैमरे से, पीछे से भी दिखाता हूँ आपको कौन कौन सा रहता है। इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए पार्ट वन है ये, थोड़ा सा है, आगे भी दिखाऊंगा और भी है, तो मेरे वीडियो में जुड़े रहें। ये है, ये भी इको
विनाइल प्रिंट है, जिस तरह के बड़े बड़े बैनर प्रिंट्स करते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये कौन सा कंपनी है अगर ऊपर दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, या फिर ये देखिए, ये लेबल प्रिंट कर, लोगो वगैरह प्रिंट कर रहा था ये मशीन। ये देखिए छोटा छोटा लोगो, किसी तरह का भी लोगो ये डायरेक्ट प्रिंट करता है, ये बैच वगैरह प्रिंट करते हैं। ये देखिए बैच वगैरह का है, इसमें लोगो भी प्रिंट कर सकते हैं आप। तो इस बार तो नहीं दिखा सकता हूँ आपको डेट वगैरह, क्योंकि मैं काफ़ी लास्ट में गया था। ये देखिए ये विनाइल प्रिंट किया हुआ है इस तरह का। ये कौन सा कंपनी है, ये है रोलैंड, रोलैंड कंपनी का। रोलैंड कंपनी का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, मिमाकी का भी अच्छा रहता है, एप्सन का भी अच्छा रहता है। तो मैं अपने लाइन में देख रहा हूँ ज़्यादातर रोलैंड, मिमाकी, एप्सन, इस तरह का। तो आगे आइए और भी दिखाता हूँ। ये बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े स्टॉल भी लोग लगाए हुए थे, तो छोटे छोटे भी लगवाए थे, जिसको जिस तरह का रिक्वायरमेंट था उस तरह के स्टॉल लिए हुए थे। ये भी है विनाइल का है, ये सब न्यू मशीन डेमो के लिए लोग ओपन करते हैं कंपनी वाले, क्वालिटी दिखलाने के लिए। तो जिनको जो पसंद आता है अपना बुक कर लेते हैं, या फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, या स्टॉल वाले कॉन्टैक्ट नंबर लेते जो पास में रहता है उनसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। ये है आपका फूजी फिल्म का स्टॉल, ये भी बहुत बड़ा स्टॉल था। तो ये भी दिखाता हूँ, यहाँ पे कौन कौन सा प्रिंटर लगा हुआ डेमो में, तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है कौन सा प्रिंटर है, देखना पड़ेगा। ये यूवी है, यूपी फॉर्म शीट पे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं आप इसके प्रिंटआउट पे। ये यूवी प्रिंटर इस तरह का ये प्रिंट किए हुए है, देखिए इस पे हाथ में लग रहा था यूवी पे, मतलब जहाँ पे आप ज़्यादा स्पॉट देना चाहते हो वहाँ प्रिंट कर सकते हैं आप। ये है आपको डाई कटिंग मशीन बोलते हैं उसको, जो आपको स्टिकर कट करना है, लोगो वगैरह कुछ भी, हाफ कट, फुल कट, जो भी कट करना चाहते हैं इस मशीन पे कट हो जाते हैं। ये उसी तरह का डाई कट मशीन बोलते हैं, तो आपका लोगो जो स्टिकर रहता है ना उसको कट कर सकते हो उस पर। अभी ये कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका, मुझे भी याद नहीं, कैनन, कैनन कंपनी का। इनके पास भी प्रोडक्शन प्रिंटर था, ऑफिस प्रिंटर नहीं था इनके पास, ये ओनली है डेमो में। ये है आपका रिको, रिको भी प्रोडक्शन प्रिंटर लगाए हुए थे, वो आपका प्रोडक्शन ही लगा हुआ था, पीपी जिसको बोलते हैं, प्रोडक्शन प्रिंटर। तो आगे दिखाऊंगा और कौन कौन सा मशीन है, तो जुड़े रहे वीडियो में। ये है ऑफसेट प्रिंटर, इसको बोलते हैं ऑफसेट प्रिंटर है ये, इस तरह का। क्या ये प्रिंट कर रहा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिनको रिक्वायरमेंट होता है वो अपना इस तरह का मशीन बुक करते हैं। सिल्वर फॉयल है या क्या है वो प्रिंट कर रहा, बहुत एक से प्रिंटिंग का इंडस्ट्री का आया हुआ था मशीन। ये देखिए इस तरह का प्रिंट आउट कर रहा है, तो बहुत बड़े बड़े मशीन लगे हुए थे, कुछ कुछ तो मुझे समझ भी नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है इस तरह का, तो बहुत कुछ समझ में भी आया क्या क्या प्रिंट करते। ये भी आपको ऑफसेट प्रिंटर है लगता नहीं, क्रीजिंग मशीन है, सॉरी, ये सब क्रीजिंग मशीन है। ये आपका लेमिनेशन मशीन है, छोटे साइज़ का आपका 12 इंच बाई 18 इंच A3। ये देखिए ये क्रीजिंग हो रहा है, और ये भी सेम प्रिंटर है, सेम है, इसको मशीन बोलते हैं डाई कट, ये सब स्टिकर करो है ना, डाई कट बोलते हैं इसको। ये कम क्वांटिटी में है, 100-150 आपको स्टिकर कट करना है तो ये सब मशीन बहुत ईजिली कट हो जाता है।